सांस भरने में जिस दिन आप 30 सेकंड तक पहुंच गए, 30 सेकंड सांस भरना, तो आपने जगह खुद भी आपको समझा, 30 सेकंड तक सांस भर, 60 सेकंड तक अंदर रोका, फिर 30 सेकंड निकाला, तब समझ लीजिए कि आपका एक प्राणायाम 2 मिनट में होगा। इस प्रोसेस से अगर आप 2 या 4 भी प्राणायाम करते हैं, जुड़े या 10 करो, 2 करो, 4 करो, जब भी फ्री बैठे हो सांस तो कभी भी ले सकते हैं, तो ऐसे ले लिया। अब आराम से सांस लेना है और अंदर रोकना है, उसके बाद आराम से सांस लेना। आप जिसे भी प्रेम करते हो, भगवान को, शैतान को, गोभी को, टमाटर को, जिसे भी आप प्रेम करते हो उसका ध्यान रखते हो। भगवान को नहीं जानते थे, किसी ने कहा राम है तो राम मान लिया, किसी ने कहा गॉड है तो गॉड मान लिया, किसी ने कहा अल्लाह है तो अल्लाह मान लिया, नाना भाई गुरु है तो भाई गुरु मान लिया, किसी ने कहा पत्थर है पत्थर मान लिया। भगवान के बारे में हमें पता ही नहीं, जो दूसरा बैठा मान लिया, जो ध्यान से सुनना भाग रहे। अब एक प्राणायाम का अभ्यास करें सभी में, और सांस पेट में भरना चाहिए प्रारंभ। रोकने का क्रम है, 2 उंगलियां जहां बिंदिया है किसे छोड़ी, ये एक प्राणायाम एक। अगर हम इस तरीके से प्राणायाम करते हैं काम, बाकी और जो करते हैं अनुलोम विलोम या कपालभाती, ये प्राणायाम बाद के, जो मुख्य प्राणायाम बताया गया है रेचक पूरक कुंभ। फिर से अभ्यास करें, अब हम आंखें बंद करके अभ्यास करें, आंखें बंद कर लीजिए, कम से कम अपने हिसाब से 5-5 प्राणायाम करते, अपने अपनी क्वालिटी के हिसाब से कितने देर रोक सकते हैं, कितने देर छोड़ सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। जैसे ही एक बार लिया रोका, रोकना जब 5 बार हो जाए छोड़ो। करिए आपके पास